इलेक्ट्रॉनिक क्लास 10th ए. वेलकम बैक टू अवर लिटरेचर पीरियड. यस्टरडे आई गिव यू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड सम एंड थिंक अबाउट इट. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर ऑफ द टॉक अबाउट इट. बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन आंसर की पिक आपको सेंड कर दी है और आपके ग्रुप में आ गई होगी. इसके बाद हम आपको इसके आपको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है? अब आप लोग इसे देखिएगा. इन दिस स्टोरी ऑसिबल शोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड और द एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड एक्ट कामली एंड वाइजली इन अ सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड अ सरप्राइज. गिव एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस. नरेट अ स्टोरी विच शोज समवन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड. देखिए, दिस स्टोरी रिफर्स, इसमें क्या हुआ, ये कहानी जो है इसमें ऑसिबल जो है वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो करता है और अपनी एबिलिटी कि वो कितनी जल्दी सोचता है और कितनी शांतिपूर्वक कितनी बुद्धिमानी से काम कर लेता है और उस जो उसकी खतरे की और परेशानियां आश्चर्यजनक जो उसकी स्थितियां होती हैं उन सब का उदाहरण देते हुए उसके अनुभव को उसके योर ओन एक्सपीरियंस और नरेट अ स्टोरी. अपने अनुभवों को व्यक्त करिए और एक कहानी आप उसको बनाइए. विच शोज समवन प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसमें किसी की प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी उसकी मानसिक स्थिति जो है उसको बताया जाए. दिस स्टोरी रिफर्स टू द प्ले, ये कहानी हमें इस नाटक के बारे में बताती है. इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होते तो जेराल्ड वॉज हर्ड हॉस्टेज बाय अ क्रिमिनल. हाउ एवर जेराल्ड ट्रीटेड द क्रिमिनल एज अ गेस्ट. जेराल्ड जो था वो एक हॉस्टेज बाय अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल के द्वारा उसे हेल्ड कर लिया, होल्ड कर लिया गया. एंड जेराल्ड ट्रीटेड द क्रिमिनल एज ए गेस्ट, लेकिन जेराल्ड ने उस क्रिमिनल के साथ एज ए गेस्ट के रूप में उसके साथ व्यवहार किया. एंड ट्रैप्ड हिम विद द कॉन्फिडेंस, और फिर उसे कॉन्फिडेंस के साथ जाल में फंसा लिया यानी उसे ट्रैप कर लिया. ही मैनेज टू कन्विंस द क्रिमिनल टू रन अवे, उसने किसी तरीके से मैनेज किया, उसको विश्वास दिलाया कि उसे निकाल देगा. एज द पुलिस इज बिहाइंड हिम, उसने बताया कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और वो उसे बचा कर निकाल लेगा. ही टोल्ड द क्रिमिनल टू रन थ्रू द एग्जिट डोर, और उसने क्रिमिनल से कहा कि तुम एग्जिट डोर से बाहर के डोर से तुम निकल जाना. विच वॉज एक्चुअली ए कबोर्ड डोर, जो वास्तव में एक कबोर्ड डोर था. द क्रिमिनल एग्जिटेड थ्रू द डोर, जो क्रिमिनल था उस डोर से बाहर आ गया. एंड वॉज ट्रैप्ड इन कबोर्ड, और कबोर्ड में पकड़ लिया गया. मतलब उसने बताया कि तुम इस रास्ते, उसे पकड़वाने के तरीके से भी उसने उसे बताया कि तुम इस रास्ते से निकलना, और वो रास्ता भी वो रास्ते के माध्यम से पकड़ लिया गया. डिस्कस वॉट यू वुड डू इन द सिचुएशन एंड डिस्क्राइब्ड बिलो. रिमेंबर द प्रेजेंस ऑफ माइंड कम्स ऑफ द स्टेट मेंटल अपीयरेंस. ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए. आपको ये दिया गया है कि डिस्कस व्हाट यू वुड डू इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड, जो परिस्थितियां नीचे दी गई हैं इनमें से आप कैसे मैनेज करोगे. रिमेंबर द प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को आपको याद करिए, उसे बाहर निकालिए. कम आउट ऑफ स्टेट मेंटल अपीयरेंसेस. इफ यू हैव थ्रू अबाउट हाउ टू एक्ट इन सच सिचुएशन, यू हैव ए बेटर चांस ऑफ डीलिंग विद सच सिचुएशन ऑफ इफ द टू अराइज. देखिए, अ स्मॉल फायर स्टार्ट्स इन योर किचन, इन परिस्थितियों में आप कैसे मैनेज करेंगे यदि आपके साथ ये होता है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे यदि आपके साथ ये परिस्थितियाँ होती है. जैसे आंसर है आपका, अ स्मॉल फायर स्टार्ट्स इन योर किचन, जैसे आपके किचन में आग लग जाती है. ए चाइल्ड स्टार्ट्स टू चोट इन अ पीस ऑफ फूड, बच्चा जो है वो खाने के लिए तेजी से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है. द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टार्ट टू किस एंड गिव आउट स्पार्क्स, अचानक जो बिजली के चीज़ें हैं वो हमेशा उनके चिंगारियाँ यानी स्पार्किंग होने लगती है. अ बाइसाइकिल नॉक्स डाउन ए पेडेस्ट्रियन, एक साइकिल पर साइकिल जो है वो पैदल यात्री के ऊपर नॉक डाउन हो जाती, गिर जाती है. इट रेन्स कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे से ज़्यादा बारिश होती है, तो इन परिस्थितियों में आप कैसे मैनेज करेंगे. इट रेन्स कंटिन्यूसली फॉर मोर, ए मेम्बर ऑफ योर फैमिली डज नॉट रिटर्न फ्रॉम एट द एज फॉर एक्सपेक्टेड टाइम, एक आपके घर का सदस्य जो आपका एक टाइम बंधा हुआ है
उस टाइम में नहीं आता है तो आप इस समय क्या आप सोचते हैं, क्या परेशान होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई कि आप इन इन चीजों में आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। अब बच्चों आइए लॉन्ग आंसर। व्हाई डिड मैक्स स्क्रीम थ्रिली व्हेन ही ड्रॉप्ड टू द बालकनी। जब वो बालकनी से गिरा तो मैक्स स्क्रीम थ्रिली जो थी वो व्हाई डिड मैक्स स्क्रीम थ्रिली व्हेन ही ड्रॉप्ड टू द बालकनी। ठीक है, देखियो ए पर्सन स्क्रीम्स श्रीली। एक आदमी बहुत तेजी से, मतलब वो बता रही है कि मैक्स स्क्रीम क्यों बहुत तेजी से चीखी थी जब वो बालकनी से गिरा। ठीक है, तो ए पर्सन स्क्रीम श्रीली व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस टू हिम। कोई भी व्यक्ति तब बहुत तेजी से चीखता है जब उसके साथ अचानक कोई चीज घट जाती है। अचानक कोई चीज घटती है तो बहुत तेजी से चीखता है। हियर मैक्स स्क्रीम श्रीली व्हेन ही ड्रॉप्ड टू द, इसकी यहीं पर मैक्स बहुत तेजी से चीखा था जब वो बालकनी से नीचे गिरा। इट वॉज ओनली ए फिगमेंट ऑफ पॉसिबल इमेजिनेशन। ये केवल ऑसिबल की एक इमेजिनेशन थी। ही बिफूल्ड मैक्स बाय डिस्क्राइबिंग इट। उसने ये बता के मैक्स को ये बता के उसने क्या किया था, मूर्ख बनाया था। इट बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉलर ऑन फॉलर, क्योंकि इससे वो फॉलर पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। हु डाउटेड ऑन हिम, जो उस पर डाउट करता था, एज ए सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट के रूप में। एंड वॉन्टेड टू प्रूव द वर्थ, और वास्तविकता क्या है इसे प्रूव करना चाहता था। ऑस्कर हैड डिस्क्राइब इट टू विविडली। ऑस्कर ने इसे विविडली माने बहुत ही विस्तार रूप से इसे डिस्क्राइब किया, इंक्लूडिंग इट्स हिस्ट्री, और हिस्ट्री बताते हुए। And use that Max was convinced there was a balcony just outside the window. और Max ने विश्वास दिलाया कि यहाँ पर एक बालकनी है, first outside the window, इस खिड़की से तुरंत बाहर एक बालकनी है। And try to jump into it without looking, और बिना देखे इसे कूद जाने की कोशिश करना। As the room was on the sixth floor, क्योंकि उसका कमरा जो था वो सातवीं फ्लोर पर था, सातवीं मंजिल पर था। Max would certainly have been died by falling from such a height. और Max जो है वास्तव में अगर वो इतनी हाइट से नीचे गिरता तो वो मर जाता। What role did the non-existent balcony play in the story? और इस कहानी में the midnight whistle, इस कहानी में कौन सा रोल अदा करती है ये बालकनी जो है, जो केवल नॉन एग्जिस्टेंट, केवल एक कल्पना मात्र है, वो क्या रोल अदा करती है? बालकनी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी। बालकनी जो है इस स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इट प्लेज द रोल ऑफ ए डोर टू द स्टोरीज क्लाइमैक्स। ये स्टोरी के बहुत अधिक उच्च सीमा तक जाने में बहुत डोर का मतलब रोल अदा करता है, दरवाजे का रोल अदा करता है। एक सीमा तक, चरम सीमा तक जाने के लिए ये डोर का रोल अदा करता है। जैसे कहीं पर पहुंचने के लिए बिना दरवाजे के हम नहीं पहुंच सकते, उसी तरीके से ये क्लाइमेक्स बहुत ऊंचाई तक जाने के लिए, चरम सीमा तक जाने का रोल अदा करता है। आफ्टर द रीडर्स फाइंड ऑसिबल इन आ टाइट। देखिए इसके पढ़ने के बाद ऑसिबल जो है वो थोड़ा इसको समझ पाता है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। आफ्टर द रीडर्स फाइंड ऑसिबल इन टाइट सिचुएशन। इसके बाद जो पाठक हैं वो ऑस्टबल को बहुत ही टाइट सिचुएशन यानी बहुत क्रिटिकल पोजीशन में पाते हैं। दीज अपीयरेंस टू बी नो एस्केप फॉर द प्रोटोकोनिस्ट। द रीडर थिंक मैक्स विल सक्सीडेड इन एक्सप्लॉइटिंग द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट। रीडर सोचता है कि मैक्स जो है वो इस इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट को देने में जो है बहुत अधिक अपना रोल अदा करेगा। एंड आउट स्मार्ट ऑस्टबल but with the presence of mind he used to the balcony to outmast its revival successfully and emerged as a super spy. ठीक है बच्चों, अब आप देखिए आज आपका ये चैप्टर ओके हो गया, और इस चैप्टर के बाद आपका वर्क है कि इस चैप्टर को, ये चैप्टर तो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताया और दो लॉन्ग आंसर बताए। ये लॉन्ग आंसर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आज आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। कल हम आपको
कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हमारे चैप्टर बेस्ड निकलते हैं उन क्वेश्चन आंसर को हम कल आपको बताएंगे कि आपको आप भी कोशिश करिएगा कि चैप्टर के अंदर से कुछ अपने आप क्वेश्चन छाटने की कोशिश करिएगा। तो आज ये मेरा चैप्टर क्लियर हो गया, सभी बच्चों का वर्क कम्प्लीट हो जाए। जो बच्चे वर्क नहीं सेंड करते हैं वो बच्चे अपना समझ लें, ना तो उन्हें मार्क्स मिलेगा, उनका लॉस उन्हीं का होगा सर, और आपके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक बच्चों, ओके क्लास, थैंक यू।